हाँ भाई, हुस्नैरा कैसी है? कैसा होना है उसने? ठीक है, मौत की दुआएं मांग रही है बार बार। मेरा तो जी चाहता है फॉरन वीजा निकालूं, वहां जाऊं, अजीम के कान पकड़कर उसे वापस ले आऊं। आपको इतनी आसानी से वीजा मिल जाएगा? क्यों नहीं? नहीं क्यों, मुझे अजीम का कुछ और ही चक्कर लगता है। चक्कर? कैसा चक्कर? नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां इनलीगल रहने की वजह से ना वो जेल में है। जेल? कैसी बेतुकी सी बातें कर रही? अरे वो बेचारा जेल में क्यों होने लगा? काम करता है, मुसलसल तोहफे भेजता रहता है। अभी तो इतनी लंबी चौड़ी बात हुई। जेल में तुम औरतें ना खा वहां बेकार की बातें करती रहती। अच्छा, मुझ पे गुस्सा करने के बजाय ना कोई हल सोचना इस बात का। अब हल क्या है बीबी जी? हल यही है कि बस सुनारा किसी और से शादी कर ले। तुम जाके उसे राजी करो ना। अरे कैसे राजी कर लो, आपको पता ही ना मुमकिन है। कोशिश करने से पहले ही हार मान। शायद तुम भूल रही हो, मैं उसे बहन बनाकर यहां लाया। मेरी जिम्मेदारी है वो। कल को अल्लाह ताला को जवाब देना होगा। ऐसा ना हो कयामत के दिन यही बात मेरी पकड़ बन जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। वालेकुम सलाम। अरे आज सुबह सुबह कैसे आ गए? अब्बा मियां नजर नहीं आ रहे। पान लेने के लिए गए, मेरे लिए खत्म हो गए थे ना। तो उन्हें जाने की क्या जरूरत थी? हाशिम या कासिम से कह देते, वो पान ले आते। इन बच्चों को कहाँ पहचाने अच्छे पान की। और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है जब तुम्हारे अब्बू मेरे लिए कुछ काम करते हैं। अच्छा तुम बताओ कैसे आए सुबह सुबह मेरे पास? बोलो। अभी क्या बताऊं, दरअसल परेशानी की वजह से पूरी रात बेचैनी से हो रही है। ताज्जुब है मैं भी, आखिर फोन पर बात करने का क्या मसला है? शायद आपने गौर नहीं किया लेकिन उसका चेहरा देखने लायक था। सबकी तरफ बेचैनी देख रही थी कि सब उसकी तरफ हंस रहे, ये सोचकर कि एक बार फिर अजीम ने उसके मुंह पर फोन बंद कर दिया। तरस आ रहा था मुझे उस पर। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ अजीम से। जल्दी बात कर ले तो बेहतर है, वरना अगर मैंने बात कर ली ना तो शायद नतीजा अच्छा ना निकले। शमीम, हुसैन आरा की जिम्मेदारी उठाते उठाते तुम ये मत भूल जाना कि अजीम तुम्हारा भाई है और उसका भी हक है तुम पर, और तुम्हारा भी फर्ज है कि छोटे भाई का ख्याल रखो। इस वक्त मैं छोटे भाई या मुंह बोली बहन की मोहब्बत में परेशान नहीं, बल्कि सही और गलत के तराजू में दोनों को तोड़ रहा हूं। और माजरत से अम्मा भी, इस वक्त हर तरह से पलरा हुसनारा का भाई। शमीम जरा मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अम्मा भी, अब्बा मियां और आपने हमेशा यही तरबियत दी है कि बात जब सही और गलत की हो ना तो साथ हमेशा सही कर देना चाहिए, चाहे गलत करने वाला तो अपना सगा क्यों ना हो। बस जो भी करना है जल्दी कर ले, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ठीक है बेटा। सानुनेर वाले पुलते बुला के, सानुनेर वाले पुलते बुला के, निकोरे माही किथे रह गया यार, सानुनेर वाले पुलते बुला के। सुना है? हाँ, मुझे देर हो रही है, मुझे शमीम को कपड़े दे रहे, मैं धो देती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ, वहां जा तो रही हो लेकिन अपना जुबान ना बंद रखना। मैं जबी के बारे में ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना घर में फसाद खड़ा हो जाएगा। अरे बहना, तुम्हें तो पता ही है ना मेरी क्या आदत है इधर की उधर करने की। भाई गीबत करने वालों और गीबत सुनने वालों से मैं कैसे दूर रहती हूँ? पता भी है कयामत के दिन का क्या अंजाम होने वाला है? मैंने एक किताब में पढ़ा उनकी जुबान ना ऐसे लटकी हुई होंगी ये जमीन तक, और उनके जो कान आज बस 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 सब पता है मुझे। जा।
सही करो, स्त्री खराब हो रही है। जी बरकत है इसकी। मोहब्बत सतरंगी पीर और मंगल रात 7 बजे। क्यों नहीं समझ आ रहा है कि इस जंग में किसी और का नहीं सवारा, हमारा नुकसान है। मन टूटा टूटा मैं, जग छूटा रूठा मैं। देखिए नया ड्रामा सीरियल अखाड़ा 10 जनवरी से बुध रात 8 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।